नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपाली लोढ़ा, योगा एक्सपर्ट एंड अ डायटिशियन, जस्ट फॉर हार्ट्स के इस वेलनेस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले दिसंबर से दुनिया भर में कोविड द कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया भर के लोगों पर हमला बोल रखा है। किसी न किसी तरह का अमल हर देश में हर तरफ हमें दिखाई दे रहा है और उसको जूझते हुए उसके साथ आने वाली कुछ परेशानियां या कोविड हो जाने के बाद या फिर कोविड से ठीक हो जाने के बाद भी कुछ न कुछ सेहत से लेकर अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज मैं एक बहुत अहम मुद्दे को लेकर आपके सामने आई हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे जो कि हमने अभी इन दिनों हमारे डायट कंसल्टिंग क्लिनिक में देखा है कि जो कोविड से रिकवर हुए पेशेंट्स हैं उन लोगों में नॉन डायबिटिक होने के बावजूद भी ब्लड शुगर्स यानी रक्त शर्करा नियंत्रण में नहीं है या बढ़ी हुई सामने आई है और कई दिनों तक महीनों तक ये रक्त शर्करा उनकी बढ़ी हुई ही रह रही है कोविड से मुक्त हो जाने के बाद। लैंसेट जो साइंटिफिक मेडिकल ऑथेंटिक जर्नल है, इसमें पेपर जो पब्लिश हुए हैं, सारी दुनिया भर के जो अहम देश है जैसे अमेरिका हो, चाइना हो, यूरोप हो या फिर भारत हो, सभी तरफ कोविड के पेशेंट्स को लेकर कुछ इंटरनेशनल स्टडीज जो हुई है उसमें से ये सामने आया है कि कोविड मैनेजमेंट के साथ साथ बहुत सारे पेशेंट्स को कोविड से मुक्त, मतलब आपका टेस्ट निगेटिव आने के बाद, कोविड से मुक्त जब हम कहलाते हैं उसके बाद भी उनकी रक्त शर्करा बढ़ी हुई आई है। तो इसका कारण क्या है और ये किस तरह आगे रिकवरी के हिसाब से मैनेज किया जाना चाहिए, इस पर कुछ चर्चा, कुछ इंसाइट्स जो मैंने मेरे पेशेंट्स ने इन दिनों देखा है डाइट कंसल्टिंग के द्वारा और उसमें जो रिजल्ट्स पाए हैं कुछ कोविड पेशेंट्स रिकवर पेशेंट्स में जो ब्लड शुगर्स बढ़े हुए थे उसमें प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज मैनेजमेंट के साथ उन लोगों में उस पर नियंत्रण लाना हम उसमें सफल हुए हैं। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि हमें पता है कि कोविड जब अटैक करता है, कोई पर्सन जब कोविड पॉजिटिव होता है उस वक्त हमारा पूरा ध्यान जनरली रेस्पिरेटरी सिस्टम पर है। उनको या तो ब्रीदलेस की शिकायत है या फिर ब्रीदलेस होने की शिकायत है या फिर लंग्स में इन्फेक्शन होने की वजह से जो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन के आते हैं, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन आते हैं, उन चीज़ों का मैनेजमेंट हॉस्पिटल्स में क्लिनिशियंस या फिजिशियंस कर ही रहे हैं। बट उसके साथ साथ ये बहुत बड़ा मुद्दा, अहम मुद्दा सामने आया है कि उन दिनों उन लोगों की रक्त शर्करा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई पाई गई है और वही लगातार कोविड से मुक्त हो जाने के बाद उसी रेंज में वो रक्त शर्करा रही है, हालांकि वो लोग डायबिटिक, प्रीवियसली डायबिटिक नहीं है। तो इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस है पोस्ट रिकवरी, जिन्हें कॉम्प्लिकेशन हम या मैनेजमेंट कहा जा सकता है, उसमें कुछ ये सबसे बड़ा चैलेंज आजकल का सामने देखा गया है। कोविड जैसे हमारे लिए नया विषय है वैसे ही वैद्यकीय जगत के लिए भी एक नई चुनौती है, नया आह्वान है, जिसमें कोविड के मैनेजमेंट के साथ साथ अदर जो ऑर्गन सिस्टम बॉडी में है उनके साथ साथ जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती है या फिर उनका कुछ मल फंक्शनिंग हो जाता है या फिर एलिवेशंस कुछ पैरामीटर हो जाते हैं, उन सब का मैनेजमेंट करने के हिसाब से इस तरह की जो ऑब्जर्वेशन स्टडी है वो बहुत ज्यादा कामयाब सिद्ध हुई है, महत्वपूर्ण हुई है। तो जब हम रिकवरी मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं, कोविड पेशेंट एक बार निगेटिव हो गया, कोविड मुक्त या ऐसे हो गया, ऐसे हम किसी व्यक्ति को जब कहते हैं तब उसके बाद उनमें कमजोरी तो जरूर रहती है और उसके साथ साथ उनको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या सस्टेन करने के लिए, उनकी इम्यूनिटी सस्टेन करने के लिए भी कई तरह के वाइटामिन सप्लीमेंट्स और बाकी सारी सप्लीमेंट्स, ऐसी कुछ दवाइयों का आगे उनको कंटिन्यूस डोज दिया जाता है। बट हम जानते हैं कि इम्यूनिटी विटामिन सी से बढ़ती है, इसलिए सिर्फ विटामिन सी ही दिया जाता है। बट ये बहुत जरूरी बात है कि विटामिन सी के साथ साथ बी कॉम्प्लेक्स
और बी कॉम्प्लेक्स में भी B6 एंड B12, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन विच आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बीटा सेल्स फंक्शन इन द डायबिटिक इन द ब्लड शुगर्स कंट्रोल दोज हु आर नॉट डायबिटिक पेशेंट्स. सो विटामिन सी के साथ साथ बी कॉम्प्लेक्स एंड उसी के साथ साथ विटामिन डी ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन बूस्टिंग योर इम्यूनिटी इन ब्रिंगिंग बैक ऑल योर ऑर्गन सिस्टम्स टू देयर प्रॉपर एफिकेसी वर्किंग मोड. तो जरूरी यह है कि सिर्फ विटामिन सी नहीं तो विटामिन डी भी आपको उतना ही इम्पोर्टेंट है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. इसलिए जरूर ये ध्यान होना चाहिए कि हमारे खान पान में पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स की मात्रा अगर समाविष्ट हो तो जरूर हमारी रिकवरी पॉजिटिव वे में फिटनेस की तरफ हो सकती है. दूसरा बहुत ज्यादा अहम मुद्दा डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में अगर सोचा जाए रिकवरी के तौर पर, तो प्रोटीन इनटेक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका एनिमल प्रोटीन, डेयरी प्रोटीन एंड प्लांट प्रोटीन इनका सही पर्याप्त मात्रा में, सही प्रोपोर्शन में, अगर दिन भर के पूरे खाने में सही मात्रा में समावेश रहा तो आपकी इन ऑर्गन सिस्टम्स की जो इंटरनल मसल सिस्टम मसल स्ट्रेंथ है वो बढ़ने में मदद होगी, ताकि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम तीनों सिस्टम फिर से अपनी तरह पहले की तरह पूरी अपनी इफिकेसी के साथ काम कर सके. इसी के साथ साथ और एक चीज हम लोग नोटिस करते हैं कि किसी की तरह का इन्फेक्शन होता है या किसी भी बीमारी से हम जब गुजरते हैं उसके बाद आने वाली जो कमजोरी होती है, थकान होती है, तो उसके बाद रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रेस्ट से ही आप जल्दी से रिकवर हो सकते हो किसी भी तरह के बीमारी के बाद, ये हम जानते हैं. बट क्या यह आप जानते हैं कि सिर्फ फिजिकल रेस्ट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मेंटल एंड साइकोलॉजिकल रेस्ट के लिए या विश्राम के लिए रिलैक्सेशन, आपका स्ट्रेस रिलीविंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है. और उसके लिए इंपॉर्टेंट है, आप कमजोर है, आपके में ताकत की कमी है, तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी उस दरमियान नहीं कर सकते. इट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, बट surely and surely the ancient science of yoga helps you a lot miraculously in recovering from the weakness. So weakness ko cover up karne ke liye and to improve your stress relaxation factor, improve your rest and relieve all the stress at physical, mental and the oxidative stress which is developed during the infection. ये सारा स्ट्रेस रिलीव करने के लिए आपको श्वसन के कुछ अभ्यास जो योगाभ्यास में किए जाते हैं वो जरूर जरूर अपनाने चाहिए. किसी एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर अगर आप महीनों तक इस तरह का कोई योगाभ्यास का अभ्यास करें, जरूर ही पोस्ट कोविड जो रिकवरी है वो बहुत पॉजिटिव तरीके से आपको फिटनेस की तरफ ले जा सकती है. उसी के साथ साथ तीसरा और एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो ये है कि जो बढ़ी हुई रक्त शर्करा है, हालांकि आप डायबिटिक नहीं है, फिर भी कोविड के बाद आपके शुगर्स अचानक से आपको दिखते हैं कि बढ़े हुए हैं, तो उन दिनों में आपका रक्त शर्करा का नियंत्रण किस तरह से किया जा सकता है. फिजिशियंस या क्लिनिशियंस ब्लड शुगर्स की रेंज देखते हुए मेडिकेशन का मैनेजमेंट करते हैं, पर कुछ हद तक ये भी बात है कि आपका अगर डाइटरी मॉडिफिकेशन सही रहा तो इस रक्त शर्करा, बढ़ी हुई रक्त शर्करा को नियंत्रण में लाने के लिए वो कारगर सिद्ध हो सकता है. इसलिए हमारे डाइट में थोड़े थोड़े छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस, जैसे कि जो सारे साबुत अनाज है, छीलते वाले अनाज है, जिनमें से हमको बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर मिलती है, जिसमें से कॉम्प्लेक्स शुगर्स कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्म में रिलीज होती है, ताकि वो सारी शुगर जो स्टार्च से, कार्बोहाइड्रेट से हमको मिलती है, सारी जो एनर्जी मिलती है वो पूरी तरह से हमारी दिन भर की दिनचर्या में इस्तेमाल हो सके और वो रक्त शर्करा के रूप में हमें दिखाई ना दे या बढ़ी हुई ना होते हुए नियंत्रण में आए. इसलिए छिलते वाले अनाज, छिलते वाले सारे कड़धान्य, लेग्यूम्स और उसी के साथ साथ जो फल है, अब हमेशा हम जानते हैं, आप लोग अपडेटेड रहते हैं फिटनेस के बारे में, तो आप जानते हैं और आप मानते भी हैं कि जब डायबिटीज या शुगर बढ़ी हुई है तो फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए. बट दिस इज अ बिग मिथ.
एक्चुअली इन मैनेजिंग पोस्ट कोविड हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया इज द रक्त शर्करा का अचानक से बढ़ जाना, उसे मैनेज करने के लिए हमें विटामिन्स तो हमके फ्रूट से ही हमें मिलेंगे, सब्जियों से ही मिलेंगे, इसलिए विटामिन्स का जो नेचुरल सप्लाई है उसे ना रोकते हुए जो फल ज्यादातर जो गिर वाले फल है जैसे कि एप्पल है, पेयर्स है या पपया है या बनाना केला है, इन फलों से जो शुगर हमें मिलती है इट इज इन अ कंट्रोल्ड रिलीज मैनर एंड इफ इट इज गिवन वो अगर सही मात्रा में और हमारे दिन भर के खाने में सही तरीके से उसको अगर पर्याप्त मात्रा में प्रॉपरली डिवाइड करते हुए अगर लिया गया हमारे खाने में तो डेफिनेटली ये सारी चीजें भी मतलब डाइटरी मॉडिफिकेशन ही हमें इस टेम्पररी ब्लड शुगर्स बढ़े हुए ब्लड शुगर्स लेवल जो है उनको फिर से नियंत्रण में लाने के लिए मददगार हो सकते हैं। ये सारी चीजें अगर मैं आपको अभी कह रही हूं तो ये इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें जब हम रिकवरी की बात करते हैं तो हर पेशेंट का फिजियोलॉजिकल स्टेटस अलग होगा, उनके ब्लड पैरामीटर्स अलग होंगे, किसी के ट्राइग्लिसराइड्स, किसी के कोलेस्ट्रॉल, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, किसी का वेट ज्यादा है, ओबेसिटी इज एन इश्यू, ऑफ कोर्स एज इज अगेन द अनदर कंसर्न। सो ऑल दीज थिंग्स आर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल मैनेजिंग एनी रिकवरी डाइट फॉर एनी काइंड ऑफ डिजीज, इट्स नॉट ओनली अबाउट कोरोना और कोविड। मैं ये जरूर यहां आपको कहना चाहूंगी और ठोस रूप से कहना चाहूंगी कि किसी क्वालिफाइड आहार तज्ञ की मदद से अगर आप आपके दिन भर की जो खाने का हर खाने के फूड ग्रुप की हर जो मात्रा है जैसे प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जिनके द्वारा आपके शरीर का जो कमजोरी हो वो पूरी तरह भर जाए, पूरी तरह से आप फिर से एक्टिव हो जाए, फिट हो जाए, इसलिए जरूरी है कि किसी आहार तज्ञ की मदद से ही सही तरीके से अपना डाइट प्लान बनाकर उसे अगर आप फॉलो करते हैं, उसी के साथ साथ जो भी फिजिकल एक्टिविटी, जेंटल एक्सरसाइजेस, श्वसन के अभ्यास और उसी के साथ साथ कुछ हद तक रिलैक्सेशन टेक्निक्स विच हेल्प अस टू रिलीव द स्ट्रेस कंप्लीटली फ्रॉम द बॉडी एंड द माइंड लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैनेजिंग सच काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस पोस्ट रिकवरी ऑफ एनी काइंड ऑफ कंडीशन, इट्स नॉट अबाउट कोरोना ओनली। आज इस विषय को लेने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इन दिनों हमारे डायरेक्ट कंसल्टिंग क्लिनिक में हमने कोविड पेशेंट्स जो रिकवर हुए हैं उनमें ऐसी कोई चीजें पाई थी, ऐसे कोई रक्त शर्करा का नियंत्रण या फिर किसी में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए, किसी में हाइपरटेंशन का अचानक से आ जाना, इन सारी दिक्कतों को लेकर, इन सारी परेशानियों को लेकर जब हमने सही तरीके से डाइटरी मॉडिफिकेशन और सही तरीके से एक्सरसाइज मैनेजमेंट, उन लोगों का एनर्जी बैलेंस किस तरह से हो ताकि वो रिकवर हो और पॉजिटिवली फिटनेस की तरफ फिर से बढ़े, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किसी आहार तज्ञ की मदद से ही ये चीज आप जरूर फॉलो करें ताकि जैसे मैंने पहले ही कहा था कि कोविड या कोरोना वायरस ये विषय जैसे हमारे लिए नया है वैसे ही वो सारे दुनिया भर के लिए, सारे रिसर्चर्स के लिए, ऑल द साइंस एंड द मेडिकल फ्रेटर्निटी ऑल्सो दे हैव दिस वेरी चैलेंजिंग टास्क कि इस तरह के किसी इन्फेक्शन को या वायरस को हम किस तरह से हैंडल करें। कोरोना का मैनेजमेंट, कोविड का मैनेजमेंट तो काफी हद तक हम देख रहे हैं कि बहुत सक्सेसफुल होता जा रहा है, काफी लोग उसमें से रिकवर हो रहे हैं, मॉर्टेलिटी रेट कम होते जा रहा है, डेथ रेट कम होते जा रहा है, पर कोविड हो कर उसके बाद जब कोई पेशेंट ठीक होता है उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट है दैट इज श्योर एंड श्योर इज टू बी डन बाय सच क्वालिफाइड पीपल हु आर एक्चुअली गेटिंग टू नो फिजियोलॉजिकल स्टेटस के हिसाब से उस पेशेंट में इन चीजों की जरूरत है, किस मात्रा में जरूरत है और कैसे इन सारी चीजों पर नियंत्रण लाते हुए उनको सही तरीके से उनके फिर से एक्टिव फिटनेस मोड पर लाया जा सकता है। इसलिए मुझे मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस
चर्चा के दौरान जो मुद्दे आपके समझ में आए हो, उस पर कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, या फिर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप कुछ पूछना चाहते हो, या इसके अलावा कोई अलग कंडीशन आपने अनुभव किया हो कोविड रिकवरी के बाद, या किसी का देखा हो, तो उसके बारे में हमें जरूर लिख भेजे, या फिर जो सामने नंबर है स्क्रोल में उस नंबर पर जरूर संपर्क करें। इवन किसी को अगर कोविड रिकवरी के बाद किसी तरह के इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ रहा हो, तो वो लोग भी जरूर डाइट कंसल्टेशन के लिए, एक्सरसाइज कंसल्टेशन के लिए जरूर हमें लिख सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि इस तरह के चैलेंजेस से ही हम आगे के सारे संकटों का सामना सही तरीके से कर पाएंगे। और हर दुनिया के हर व्यक्ति को सिर्फ कोविड से दूर रखना ही नहीं, पर कोविड होकर रिकवर होने के बाद भी वापस अपने फिटनेस तक ले जाने की जिम्मेदारी हम उठा सकते हैं। इसलिए आज का जो ये विषय है, इसमें जो मैंने कहा था जो डाइटरी मैनेजमेंट है उसकी डिटेल बात, और जो श्वसन के अभ्यास, जो मैंने कहा था कि रिलीविंग द स्ट्रेस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन एनी डिसीज रिकवरी, वो स्ट्रेस रिलीफ अगर आप सही तरीके से कर सके तो किसी भी तरह के बीमारी से, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से आप बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हो और उसमें से बहुत जल्दी अपने प्रीवियस फिटनेस मोड पर आ सकते हो। ऐसी कुछ जानकारी हम लेंगे हमारे अगले वीडियो में, जरूर देखते रहिए। डू फॉलो अस एंड सब्सक्राइब अस एंड राइट टू अस व्हाट एवर द क्वेरीज, व्हाट एवर द डाउट्स और व्हाट एवर द सजेशंस, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच and looking forward to see you in our next video for such helpful talks. Thank you.